मुकाबला के गेंद होते हैं। आपने देखा होगा लीग मैच खेला जा रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी खेलते हैं, 100 ओवर का मैच रहता है, जहां पर एक गेंदबाज 5 गेंद डालता है, और शायद वो चीज देखिए ग्रामीण में भी देखने को मिल रहा है। ऐसा बहुत कम लोगों को पता रहेगा 100 ओवर का मैचेस खेला जाता है, ज्यादातर जो ड्रीम 11 खेलते होंगे ना उन्हें पता रहेगा, क्योंकि ड्रीम 11 खेलने का कुछ, मैंने भी कुछ समय के लिए खेल रहा था, इतनी ज्यादा नहीं खेलता हूं, लेकिन जिसका बेनिफिट फायदा मिला यहां पर कि 100 ओवर का मैच, एक गेंदबाज 5 गेंद, और उसमें साहिल एक बात है, एक गेंदबाज है ना लगातार 2 ओवर गेंदबाजी कर सकता है, 10 गेंद डाल सकता है, अनुमति है वहां पर, 2 ओवर आप स्पेल डाल सकते हो। क्रिकेट देखिए क्या नियम लेकर आ रहा है, क्या रोल लेकर आ रहे हैं, और श्रेय देना चाहूंगा हमारे ग्रामीण के, देखिए जो आयोजन आयोजक, देखिए आज मामा ट्रॉफी के आयोजक भी बैठे हैं, भावेश दादा की नहीं, देखिए राकेश दादा पूरी, देखिए बात करेंगे, जय हिंद, देवरुंगा भरपूर मेहनत लेते हुए आज भिवंटी नगरी में, देखिए बहुत बड़ा बिग शो है, क्या तो चलिए इसके बाद 40+ का देखिए, पहले रेगुलर का देखिए फाइनल मैच खेला जाएगा, उसके बाद 40+ का, जैसे मैसेज आ रही है हमारे तक है, उस मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हैं। साहिल क्या लगता है आपको, क्या टोटल एक सेट होना चाहिए यहाँ पर गौरीपुरा टीम, देखिए भला ये दिन उनका कल बड़ा बेहतर रहा, लेकिन आज का शाम देखते हैं कैसा रहेगा उनके लिए काम, लेकिन सर गौतमी बालकुम टीम क्या लगातार आज के दिन के ऊपर मैचेस खेलने के साथ साथ बेनिफिट फायदा उन्हें मिलेगा? नक्कीच, अगदी विचार केला तर 2 धावा धावपलकावरती झालेत, आणि जसा प्रश्न विचारला तर 20+ जाणं फार गरजेचं या क्षणाला, गोलंदाज तयार, बॉल बहुत बढ़िया, देखिए एचडी कैमरा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके एंटरटेनमेंट से देखिए बात करेंगे, दर्शक तक पहुंच रहे हैं, मुकाबला में पहुंच रहे हैं, दर्शकों की भीड़ देखिए लगभग 7,000 से ज्यादा इस सनसनी मुकाबले के मजा लेते हुए, और ये सेमीफाइनल मुकाबला दूसरा देखिए बात करेंगे, वडू नौगढ़ टीम देखिए फाइनल में पहुंचने वाली टीम है, और यहाँ से दूसरा कौन सी टीम होगी, किसका होगा खात्मा, कौन बनेगा विश्वात्मा, और भावेश प्रीतिश जैसे बैटर देखिए मैदान पर, प्रीतिश देखिए भाई स्क्वायर कट भाई, ये खिलाड़ी बड़ा कमाल का है, सो सुनार का है भाई, इसलिए तो कहा जाता है भाई दिल है नरम और खून में गर्मी है भारी, और प्रीतिश बल्लेबाजी कर रहे हैं लेवारी, चषका मध्ये तब्बल 103 नॉट आउट खेला होता, आणि या टूर्नामेंट मध्ये देखील मॅच विनिंग पारी त्याच्या मध्यमधून पाहायला मिळालेत, आणि सेमीफायनल 2 मध्ये सुद्धा चांगली बॅटिंग पाहायला मिळते। नाही देखिए प्रीतिश एक शांत स्वभाव के खिलाड़ी है, लेकिन कहते हैं ना काम इतनी शांत से करो कि सफलता भी शोर मचा दे, ये देखिए बड़ा हिट है, 1K47 था, क्या एलिवेशन था, साहिल जी इसे कहते हैं गेंद और बल्ले के बीच में सही तालमेल, और गेंद निकली थी सीधा न्यू पनवेल। नक्की जगदीप, प्रीतेश तो अपन या अगोदरच उल्लेख केला की चांगला बॅटिंग या टूर्नामेंट मध्ये केली आहे, आणि भरपूर चांगली बॅटिंग, पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला, पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 12 धावा धावपळकावरती। यही तो बात मैंने कहा था कि सांप फण उठाने से पहले उसे कुचल दो तो बेहतर है, नहीं तो फाफा, और ये मामूली सांप नहीं है भाई, अजगर दस्ता नहीं निकलता है, लेकिन अंतिम देखिए अभी 6 गेंद बचाए, 2 ओवर का मुकाबला है, और स्ट्राइक पर देखिए बैटर भावेश, इन्हें भी कम नहीं मानना चाहिए, कहते हैं ना आज के वक्त में कोई भी खिलाड़ी को कम मत मानिए, सांप बड़ा हो या छोटा लेकिन डसने का अंदाज हो ही रहता है, और भावेश देखते हैं, और यह चलिए भाई अपील लेग बिफर का, और सिंगल चाहते थे भाई, थोड़ा सा बैटर और गेंदबाज के बीच में आगे नीचे होता ही सब चीज है, और सिंगल आता हुआ, और ये सिंगल आया नहीं भाई, ये सिंगल के लिए बुलाया गया खास करके प्रीतिश को। नक्कीच अगदी विचार केला, भावेश ने स्ट्रोक देखील तोच खेला होता की प्रीतिशला स्ट्राइकिंग एंडला आणायचं आहे, कारण चांगली बॅटिंग प्रीतिशच्या माध्यमातून पाहायला मिळती आहे। ये 5 गेंद देखिए बहुत कुछ बताएगा, कहते हैं ना सफल होने के लिए भलाई जेब में गांधी का नोट ना हो लेकिन दिल में आंधी होना चाहिए, और ये चलिए वो आंधी हवा में गेंद है, लेकिन देखते हैं कितना दूर कितना अंदर, बड़ा विकेट देखिए, बड़ी मछली यहां पर, इसकी की बिजली गिरी तो दिल का कलेजा जल गया,
और प्रीतेश के आउट होने के बाद सारा का सारा उम्मीद चल गया, उम्मीद चल गया, उम्मीद चल गया, उम्मीद चल गया। आणि ती विकेट मिळाली आहे, परंतु अगदी विचार केला धावफलकावरती धावा तब्बल 13 लागल्यात, अजून देखील येतून विचार केला तर चार चेंडूंचा खेळ बाकी आहे, जास्तीत जास्त धावा करण्याचा प्रयत्न करावा लागेल। नाही बिलकुल साहिल, देखिए कहते हैं ना पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी मत लीजिए, तो शायद यहाँ पर प्रीतेश को बाहर निकालना कहीं ना कहीं खतरों की घंटी तो बनी होगी। कहते ना नए परिंदों को उड़ने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए कोई भी गेंदबाज को ना बिल्कुल डरना मना है। कहते हैं ना लकड़ी चाहे कितना भी गीला हो वो जलता है जरूर, और बैटर कितना भी बड़ा हो गलती करता है जरूर। और प्रीतेश से देखिए थोड़ा सा कहूंगा शॉर्ट सिलेक्शन, बल्ला ज्यादा है, क्रॉस द लाइन घूम गया और जाल में फंस गए। न्यू बैटर देखिए दीपेश भरत दादा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत निश्चित रूप से। भरत पाटिल सर देखिए 12 खिलाड़ी बालकुम के, लेकिन एक अच्छी कॉमेंटेटर भी है। नरेश स्मृति चषक कासर रोडली में देखिए अच्छा साथ मिला था। और ये देखिए भाई आते आते यहाँ पर धमाका तो पेश किया है, लेकिन सीधा फील्डर के पास है। और एक कैच देखिए यहाँ से मिलता हुआ यहाँ पर, क्या कमाल की गेंदबाजी देखिए पर मयूर यहाँ पर, दूसरा सफलता यहाँ पर दीपेश का विकेट गिरता हुआ। यही तो साहिल मैंने जिक्र किया था कि नए परिंदों को उड़ने में थोड़ा सा समय लगता है। केला जातो आदरणीय दिलीप दादा उपस्थित आहेत आणि दिलीप दादांचा शुभ सन्मान इथं आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती भावेश दादा केणेश आमचे स्पर्धेचे मुख्य आयोजक आहेत दादांच्या शुभ हस्ते हा अशुभ सन्मान इथं केला जातो। साहिल देखिए यहाँ पर दो विकेट यहाँ पर लगातार गिनने के साथ साथ पिछला मैच का हीरो बल्लेबाजी में थोड़ा प्रमोट किया गया, मेरे हिसाब से अच्छी बात है, जब दिन बंदा का अच्छा है तो फिर उन्हें मौका दीजिए। नक्कीच, अगदी विचार केला महेश ने, मागच्या मैच मध्ये गोलंदाजी चांगली केली होती, या मैच मध्ये बैटिंग नक्कीच बैटिंग देखील चांगली केली होती, एक षटकार त्याच्या बॅटमध्ये आला होता, या मैच मध्ये करावे लागेल हॅट्रिक वरती गोलंदाज मयूर आपल्याला पाहायला मिळेल। बहुत बढ़िया, देखिए यहां से बात करेंगे महेश, क्या इस बार फिर से चमक पाएंगे। और देखिए आते ही यहां पर सिंगल के लिए चल पड़े, यहां पर दूसरे के लिए क्या मौका बनाएंगे, और दूसरा रन और कंप्लीट होता हुआ। लेकिन साहिल कहते हैं ना कौवा कितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले भाई, वो सफेद नहीं दिखेगा, और आप सिंगल डबल से कितनी भी कोशिश कर लो आपको मंजिल नहीं मिलेगा, कम से कम 20 या 25। दरम्यान आपण व्यासपीठाकडे वळूया, स्वागत आणि सन्मान करूया। सन्माननीय एकनाथजी म्हात्रे साहेब व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत, साहेबांना विनंती असेल आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये जायचं आहे, आपल्या देखील व्यासपीठावरती शुभ सन्मान केला जाईल। व्यासपीठावरती शुभ सन्मान केला जाईल सन्माननीय एकनाथजी म्हात्रे साहेब, अगदी मोलाची उपस्थिती साहेबांची या स्पर्धेसाठी आहे, त्यांचा देखील व्यासपीठावरती स्वागत आणि सन्मान केला जातोय। भावेशजी केणे साहेबांच्या शुभ हस्ते मायेची शाल पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची भेट सन्मान चिन्ह देऊन साहेबांचं देखील व्यासपीठावरती स्वागत आणि सन्मान केलं जात आहे। ओव्हर टू मॅच। धावफलकावरती तब्बल धावा बनल्या गेल्या, त्या म्हणजे 15 धावा, अजून देखील एका चेंडूचा खेळ बाकी आहे। हाँ बिल्कुल, देखिए आखिरी गेंद बचा है, कम से कम हम बात कर रहे थे कि 20 तक पहुंच भी जाए तो 10 का औसत कोई बुरा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात करेंगे ना एक अच्छी टोटल फाइटिंग टोटल तक पहुंच जाए तो नई बैटर की बात करेंगे। अमूल ये अच्छी गेंदबाज तो करते हैं, लेकिन एक बड़ा हिट कहती ना कुंडी मत खटखटाना सरनाटा है जमाना, हो सके तो डायरेक्ट एक चौका या छक्का। और ये चलिए भाई ना चौका आया ना छक्का आया, कहते ना सितारों से क्या गवारा करे जब वो चांद ना हमारा हुआ, तो निचले क्रम के बल्लेबाज से उम्मीद क्या करें। जब शुरुआत देखिए 2 ओवर कंप्लीट हुआ है, टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है 16 रन। भविष्य देखिए कुछ सम्मान है तो लीजिए, ये अच्छा मोमेंट यहाँ पर इनिंग ब्रेक में। टीम वडुनगर अपन देखिए सज्ज रहा है, टीम वडुनगर संघाचा कर्णधार अपन टॉस बॉक्स मध्ये रिपोर्ट करायचा आहे। टीम वडुनगर संघाचा कर्णधार, यस अपन रिपोर्ट करायचा आहे। धावफलकावरती धावा बनल्या गेल्या, त्या म्हणजे तब्बल 16 धावा आणि 17 धावांची गरज आहे। नक्कीच बाबू सर आपण अगदी विचार करत होतो 20+ जाण्याचा प्रयत्न करावा लागेल, परंतु 20+ तर गेली नाही आहे, कारण अगदी विचार केला टीम बालकुम संघाचा चांगली बॉलिंग लाईनअप आहे, चांगला गोलंदाजी अटॅक आहे,
आणि 16 धावा 17 धावांची गरज सामना जिंकण्यासाठी आहे. बघा यानंतरची मॅच फिनाले मॅच मेगा फिनाले. एका बाजूला टीम वडून उगाऱ्या, दुसऱ्या बाजूला कोणता संघ असेल, असेल तो गावदेवी बालकुम की असेल गौरीपाडा क्रिकेट संघ. चला बॅट्समन पाठवायचे टीम गौरीपाडा आणि क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचं टीम बालकुम. तुम्हाला देखील विनंती असेल क्षेत्ररक्षण सजून घ्या आणि टीम गौरीपाडा आपण बॅटर पाठवायचे. अगदी 12 बॉल आणि 17 धावांची गरज, चांगली बॉलिंग लाईनअप टीम बालकुम संघाकडे आहे. कुठे ना कुठे 4 ते 5 धावा कमी पडल्या हा प्रश्न निश्चित मनामध्ये टीम बालकुम संघाचे असेल, परंतु चांगली बॉलिंग लाईनअप आहे त्यामुळे चांगला मारा करावा लागेल. 17 धावा डिफेंड कराव्या लागतील. अगदी विचार केला या अगोदरच्या मॅच मध्ये तर तब्बल 29 धावा डिफेंड झाल्या, डिफेंड केल्या टीम बालकुम संघानं. आणि ही सेमीफिनालेची मॅच आहे, सेमीफिनाले टू, कोणता तरी एक संघ फिनाले मॅच मध्ये मेगा फिनाले मध्ये प्रवेश करताना पाहायला मिळेल. या 17 धावा डिफेंड झाल्या तर गावदेवी बालकुम संघ फिनाले मध्ये, या 17 धावा चेस झाल्या तर टीम गौरीपाडा संघ फिनाले मध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. काय घडेल काय बिघडेल, जाऊया मॅचच्या दिशेनं. दोन्ही सलामवीर रवी आणि मयूर आपल्याला पाहायला मिळतील. गोलंदाजी ट्रॅक वरती गोलंदाज जमवल. चला जास्त वेळ खर्च करू नका, अजून देखील आपल्याला 2 मॅचेस कव्हर करायचे आहेत, या गोष्टीकडे देखील आपण लक्ष द्यायचं आहे. मॅच सुरू करायची, गोलंदाजी ट्रॅक वरती गोलंदाज जमवल सज्ज झालाय. अगदी विचार केला सेमीफिनाले 2 ची मॅच, एका बाजूला गौरीपाडा तर दुसऱ्या बाजूला बालकुम क्रिकेट संघ आपल्याला पाहायला मिळेल. गोलंदाज अमोल सज्ज झालाय, 17 धावा डिफेंड करायचे आहेत. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज रवी पाहायला मिळतोय. पहिलाच बॉल फुल पॉवरफुल सक्सेसफुल, बॉल जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, गोल, येतोय षटकार. अप्रतिम सुरुवात पाहायला मिळतीय. गोरीपाडा संघासाठी पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. पुढचा बॉल यावेळेस देखील स्लॉग स्वीप आणि बॉल निघून जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. मिथिल दाबा 6, येतोय आणखीन एक धडाकेदार षटकार. मार्च मध्ये या गोलंदाजानं चांगली गोलंदाजी केली होती, फक्त 4 धावा खर्च केल्या होत्या. या मार्च मध्ये कुठे ना कुठे पहिल्या 2 चेंडू वरती 12 धावा आल्यात. बहुत बढिया, देखिए गेंद में कोई खराबी नहीं थी, थोड़ा शॉर्ट ऑफ गोल्डन गेंद था यहाँ पर, और क्या पिकअप किया भाई हेमंत ने यहाँ पर. 2 छक्का देखिए टीम का स्कोर को पहुंचा दिया भाई. टेस्ट में 400 रन बनाने वाले ब्रेन लारा, लेकिन रन बन गया 12. अभी 10 गेंद 5 की जरूरत है, समय कहीं ना कहीं बचा रहे हैं यहाँ पर साहिल, क्योंकि आयोजन कमेटी को थोड़ा जल्दबाजी थी, लेकिन बैटर ने जल्दबाजी यहाँ पर दिखाने के साथ साथ यहाँ पर देखिए सेंसिबल क्रिकेट. हेमंत ने बता दिया भाई मुझे बंदूक भी चलाना आता है और गिटार भी बजाना आता है. एक बड़ी खिलाड़ी की पहचान ये होती है, क्योंकि चौके छक्के लगाने के बाद सिंगल, देखिए कहती है ना बचपन का पैंट जवानी में फिट नहीं होता, और एकाक चौके छक्के लगाने से कोई हिटमैन या शुभम गिल. बड़ा खिलाड़ी बनना है तो इनिंग भी बड़ा खेलना पड़ता है, और 2 छक्के लगाने के बाद तीसरा भी लगा सकते थे, हीरो बन सकते थे. और वो जानते हैं भाई हीरो तभी बनोगे आप जब लंबा इनिंग्स खेलोगे. कहते हैं ना कीमत पानी का नहीं, कीमत प्यास की होती है, कीमत चौके छक्के का नहीं, कीमत एक अच्छा इनिंग का होता है. और अभी हम कह सकते हैं हेमंत ने एक अच्छी इनिंग खेलते हुए, आपने एक छक्के दाग दिए तो हीरो नहीं, जब तक आप इनिंग एक बेहतर नहीं खेलते हो. नक्कीच, धावपलकावरती 15 धावा झाल्यात आणि हे पंच वन शॉट, येस वन रन शॉट म्हणजे 14 धावा. धावपलकावरती अजून देखील 3 धावांची गरज सामना जिंकण्यासाठी. रमेश म्हात्रे सर अंपायर देखील हा डॉट बॉल आलाय. बघा यानंतरची मॅच चाविंद्रा आणि टीम जयहिंद देवरुंग. 40+ फक्त 1 ओव्हरची मॅच असेल, फिनालेची मॅच. तयार राहायचंय नहीं, देखिए आजकल आदत भी बन चुकी है सुपर ओवर मैच खेलने के साथ साथ, ये तो सुपर ओवर का मुकाबला नहीं रहेगा, एक एक ओवर का मुकाबला रहेगा, क्योंकि शाम का देखिए अंधेरा लगभग करीब आता हुआ.
चलिए दोनों कप्तान आइए 40+ के। और टीम देखिए समय पर नहीं आते हैं राकेश दादा, कारण दिक्कत यही है। अगर सुबह मुकाबला देखिए दोपहर के करीब होगा, अगर हम सुबह का ब्रेकफास्ट दोपहर को खाएंगे तो फिर एसिडिटी बनेगा ना भाई, तो यहाँ पर एक ओवर मैच तो दिखने को मिलेगा भाई। अगर आप समय पर आ जाओ तो फिर आपको शाम का चाय भी कड़क मिल सकता था, शायद 3 ओवर या 4 ओवर देखने को मिल सकता था। ये सपोर्ट करना होता है आपको आयोजकों को यहाँ पर। अगर आप देखिए गलती यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा 40+ टीम ने की, लेकिन कोई टीम गलती कर जाता है और भुगतना किसी को पड़ता है। जैसे कहते हैं ना, चोट पेट पे लगा टाका सर पे लगा। अगदी बाबूशा सर जर विचार केला पुढच्या मॅच एक ओव्हरची, परंतु ही मॅच बनली आहे 6 बॉल आणि 3 धावांची गरज आहे। सेमीफायनल 2ची मॅच 6 बॉल 3 धावांची गरज। अभी भी कहानी में ट्विस्ट है देखे भाई, हमारे 40+ के खिलाड़ी भी बड़े कमाल के भाई, ये एक ओवर को 2 ओवर बना सकते हैं, इतना लंबा स्कोर बनाएंगे। मैंने देखा हूँ क्लासिक बल्लेबाजी करते हैं। पहले तो लोग 40+ का खेल नहीं देखने जाते थे, ये जो गिरते पड़ते थे ना 3 साल पहले ये सब देखने जाते थे, लेकिन आज इतनी वो क्लास खेलते हैं ना, लोग इनका भी मैच देखने के लिए इंतजार करते हैं। लाजवाब सलूट है 40+ के खिलाड़ी को। 5 गेंदों की जरूरत है। या ठिकाणी शुभागमन होतोय सन्माननीय गणेश शेठ गुरवी साहेबांचं, या क्रीडा नगरी मध्ये शुभागमन होतोय। वेलकम, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। आपलं देखील सरपंच चषक 2023 मध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत। सन्माननीय गणेश शेठ गुरवी साहेबांचं व्यासपीठाकडे शुभागमन होतोय, वेलकम पुन्हा एकदा, आपलं सहर्ष स्वागत। तो चलिए गेंदबाज तैयार, 2 रनों की जरूरत है। ओ क्या कमाल की फील्डिंग है, परेफट लाजवाब अमूल। देखिए यहां से जितनी भी तारीफ किया जाए, कैच कंप्लीट है या नहीं शायद मुझे लग रहा है ये, क्योंकि इस तरह की क्या चीज लेकर आओ तीसरा अंपायर, तीसरे अंपायर देखते हैं, लेकिन फिर भी ग्राउंड डिसीजन अंपायर आपको एक करना पड़ेगा, क्योंकि फील्ड खोल दीजिए, क्योंकि यहां से अगर क्लियर नहीं आई तो फिर ग्राउंड। आपल्याकडे वेल आहे सर, तोपर्यंत आपण टॉस देखील इथे करूया। अर्जुन जी म्हात्रे साहेबांना विनंती करतो की आपण अंपायर ग्राउंड डिसीजन दीजिए यहां पर। कॅच तो हातो में है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा पूरी तरह से। देखिए यहां पर इतना क्लियर है, देखिए आउट है बैटर्स नहीं, बिल्कुल ये सही डिसीजन मेरे हिसाब से। इतनी जिस तरह से पिकअप किया कैच को अमुल्ला जवाब भाई, इसे कहते हैं आंखों में सुरमा नहीं भाई, ये आंखें चुरा लेने वाली कैच थी भाई। 4 गेंद 2 की जरूरत है, कैच अपडेट कह सकते हैं। चलिए टॉच के लिए यहां पर टॉच उड़ाया जा रहा है। देखिए 40+ का मुकाबला रहेगा, कहते ना पुरानी सड़क पर नहीं मकान किसकी है, ये सड़क भी पुरानी रहेगी और मकान भी नया तैयार किए। ओ व्हाट अ कैच, मजा आ गया भाई, एक बार नहीं बार बार नहीं 100 बार देखना पड़ेगा। अमोल ने यहां पर महंगे साबित हुए थे भाई, इसे कहते हैं घायल शेर की सांसें उसकी दाढ़ से भी ज्यादा भयानक। 4 गेंद 2 की जरूरत है, कंपल्सरी चेसिंग। चलिए गेम स्पीड अप कीजिए, लाजवाब कैच शॉर्ट चिली मेडन। देखिए अच्छी कप्तानी, तारीफ करना चाहूंगा भरत सर कप्तान के यहां पर। चलिए देवरुण टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर यहां पर पहले बल्लेबाजी ली है, तो डगआउट चुन लीजिए भाई आप और फील्डिंग के लिए तैयार रहिए। एक ओवर का मैच रहेगा, हर ओवर में देखिए इस गेंद की बात करेंगे तो इकोनॉमी गेंदबाज। देखिए औसतम गेंदबाजी करते हुए टीम की हालत से ये गेंदबाजी करते हैं लाजवाब। 4 गेंद 2 की जरूरत है, नया बैटर है और लेफ्ट हैंड टू लेफ्ट हैंड दिक्कत होगा भाई, यही बात का गेंदबाज को दिक्कत होगा जब लेफ्ट हैंड बैटर आ जाते हैं, और लेफ्ट हैंड गेंदबाज हमेशा देखिए राइट हैंड बैटर के लिए मुश्किल बनाते हैं। 3 गेंद 1 की जरूरत है भाई, इसलिए तो शाम कुरान को 1850 करोड़ में खरीदा गया है, क्योंकि बतौर लेफ्ट हैंड गेंदबाज है ना राइट हैंड बैटर के लिए पसीना छुटा देते हैं। और देखिए लेफ्ट हैंड बैटर जैसा है बड़ी आसानी से सिंगल ले लिए, और यहाँ से 3 गेंद 1 की जरूरत है। ये जो एक की मामला रहती है ना साहिल, ये आग लगा देती है भाई, चाहे मैदान में लीजिए चाहे मैदान के बाहर लीजिए, 1 रुपया का माचिस लीजिए और बड़ी सी महल को भी आग लगा देती है, बड़ी सी फैक्ट्री को भी आग लगा देती है, और वही 1 रन कभी कभी क्रिकेट में आग लगा देती है। आज दुनिया में देखिए हर चीज का कीमत बढ़ गया, माचिस का रेट 1, क्योंकि ये जो 1 है ना, यही देखिए बात कर रहा था, ये जो 1 है ना ये आग लगाएगी भाई। देखते हैं अंपायर क्या यहाँ पर डिसीजन लेते हैं, क्या यहाँ पर आउट तो यहाँ पर किया गया है, लेकिन क्या इस तरह के यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट कर निश्चित रूप से,
अंपायर ने यहाँ पर सहमत दिखाई, स्ट्राइक रोटेट हुआ लेकिन साथ ही बल्लेबाज को यहाँ पर आउट दिया गया। बहुत बड़ी कुर्बानी साहिल है, लेकिन समीकरण देखिए अब मुकाबला में आएगा मचा, दो गेंद एक की जरूरत है। चला नवीन बैटर अपन धावत जाए, प्लीज तुम्हारा विनंती है अपने दोन मैचेस कवर कराए, दो गेंद एक नवीन बैटर धावत जाए कंपलसरी। चलिए अभी से भाग कर जाइए क्योंकि आगे भी आपको एक रन भाग के लेना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से बैटर देखिए बड़े अच्छे हैं, लेकिन क्या भागने के लिए एक दूसरा बैटर भेज सकते थे क्या? यहाँ माइंडसेट में कहूंगा थोड़ा सा गलत हुआ। ये खिलाड़ी सिंगल बना सकते हैं जिन्हें भेजा है, लेकिन मुझे लगता है इनकी स्ट्राइक पर आने से पहले मैच समाप्त हो जाएगा, तो इन्हें जो दौड़ना भागना है क्या कोई दूसरा खिलाड़ी को भेज सकते थे? तो देखते हैं भाई, कभी कभी प्रेशर में कहते हैं ना कुकर की सीटी बजती है, टीम की सीटी दो गेंद एक की जरूरत है। ये मैच कांटों का हो चुका है, दर्शकों की धड़कने देखे बुलेट ट्रेन के जैसे धक 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 धक। चलिए तालियां बजनी चाहिए अंतिम दो गेंद के पर, एक की जरूरत है। क्या मैच में रोमांच बढ़ेगा, क्या स्ट्राइक रोटेट करने के साथ साथ इस मुकाबला को यहां पर दीपक चलाएंगे दीपक, और ये चलिए दीपक रन आउट का मौका है। बचाया भाई, आता रंगा तरंगा ताला मैच। एक रन मैंने पहले ही बताया था भाई कि मैच में कुछ भी हो सकता है, भागना देखिए कितना कठिन हो गया, यही बात कहा था भाई। स्ट्राइक गेंदबाज की तारीफ करनी होगी भाई साहिल, यहां पर छह गेंद के पर तीन की जरूरत थी और एक गेंद एक की जरूरत है। महेश ने बता दिया भाई, उजाला मिल जाए बालकुम टीम को मैं अपना घर भी जला दूंगा, और पूरी तरह से अपने बदन में आग लगा दी है टीम को उजाला देने के लिए। आता मात्र एक चेंडू आणि एका धावेची गरज, बघा चेसिंग कंपल्सरी आहे, नवीन बॅटर लगेच पाठवायचा, नवीन बॅटर लवकर जायचं, बघा आम्हाला दोन मॅचेस कव्हर करायचे आहेत। प्लीज तुम्हाला विनंती असेल, प्लीज टीम गौरीपाडा तुम्हाला विनंती असेल, एका बाजूला कल्याण संघ आहे तर दुसऱ्या बाजूला ठाण्याचा संघ आहे, एक अप्रतिम मॅच। एक चेंडू एका धावेची गरज, चेसिंग कंपल्सरी, चेसिंग कंपल्सरी, आणि बघा विकेट कीपरला देखील विनंती असेल आपल्याला एकच ऍक्शन मध्ये बॉल कलेक्ट करायचा आहे, अदरवाइज तो डॉट बॉल नसेल। एक गेंद एक की जरूरत है, यहाँ पर बात करेंगे। और साहिल देखिए मैंने पहले ही जिक्र किया ये जो एक मामला है ना, ये चिंगारी लगा देती है, आग लगा देती है, इसलिए तो माचिस का रेट नहीं बढ़ पा रहा है भाई, क्योंकि आग लगाने के काम करती है। कश्ती कभी भी डूब सकती है और तकदीर कभी भी बदल सकती है दोस्तों, ये सरपंच ट्रॉफी है और मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकती है। चलिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए इस गेंद के पर, क्या मुकाबला यहाँ पर देखिए, बालकुम टीम क्या कड़ा संघर्ष दिया, क्या गौरीपाड़ा टीम आखिरी में यहाँ पर जीत दर्ज कर पाएगा? जिस बैटर के बारे में हमने चर्चा की कि ये भाग कर क्या सिंगल ले पाएंगे, क्या वो बैटर यहाँ पर मैच को फिनिश कर पाएंगे? साहिल अक्सर कहा जाता है जिसपे लोग हंसते हैं अक्सर वही इतिहास रचते हैं, क्या ये गेंदबाज इतिहास रचेंगे, संकट मोचक गेंदबाज या बैटर? और ये देखिए भाई, ओ डायरेक्ट हिट, गलती हुआ, नॉन स्ट्राइक पर निशाना बना सकते थे, नॉन स्ट्राइक पर। ये देखिए भाई लेग बाई से एक रन, साहिल रन कैसे बना भाई लेग बाई से? आज गब्बर भी सोच रहा होगा ठाकुर का क्यों मैंने दो हाथ के साथ पैर नहीं काटा, लेग बाई से एक रन आता हुआ। प्रीतेश थोड़ा जल्दबाजी कर लिया, अगर हिट होता तो वहां भी आउट हो सकता था, लेकिन समय था, नॉन स्ट्राइक पर बड़ी आराम से आप रन आउट कर सकते थे। नक्कीच अप्रतिम मैच पहायला मिळाली, एका धावेचं महत्व, दिल जीता दिल जीता बालकुम टीम, भलाई मैच गौरीपाड़ा टीम ने जीता लेकिन दिल जीता बालकुम टीम। कहते हैं ना जिसपे लोग हंसते हैं अक्सर वही इतिहास रचते हैं भाई, हमें जिन्हें डर था कि वो पहुंच पाएंगे या नहीं भाई, वो सुरक्षित पहुंच गए। रन पैर से लीजिए, रन बल्ले से लीजिए। शुभ सम्मानित करूया, तो चलिए इस मैच के मैन ऑफ द मैच, चार रन दो सफलता, आखिरी अंतिम ओवर मयूर, देखिए अगर ये ओवर लंबा हो जाता तो फिर ये मैच और लंबा हो जाता था। आदरणीय गणेश शेट गुलबी साहब उपस्थित आहेत, सबन सबन शुभ सन्मानित करणार आहोत, मी दादांना विनंती करतो की आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये यायचा, आपलं शुभ सन्मानित केले जाणार आहे। बंधू ने देखिए यहाँ पर लेग बाय से एक रन निकाले, क्या बात है, क्योंकि ठाकुर ने गब्बर को कुचल कुचल के पैर से मारा था और यहाँ पर बंधु ने उस पैर से लेग बाई से एक रन लाते हुए लगन बालकुम टीम दिल जीता, व्हाट अ मैच, मजा आया, खास सत्कार किया जा रहा है। देखिए तो आप चांस नहीं दे रहे, और पार्टी रॉन्ग पार्टी का नाम लो।
चलिए विशाल चलते हैं आपकी तरफ है। त्यानंतर मानव तो मॅचची ट्रॉफी आपण देऊया व्यासपीठावर उपस्थित आदरणीय अर्जुनजी म्हात्रे साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते मानव तो मॅचची ट्रॉफी द्यायची आहे। एक क्लोज इन्काउंटर दरम्यान इथं जिंकला टीम गौरी पाडानेचं अभिनंदन अँड बेस्ट ऑफ लक फॉर द मेगा फिनाले। लगेच आलो मग अशा दिशेने आपण इथं जाऊ।